हेलो बच्चों, तो देखो यार, आज एक नए चैप्टर के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो देखो यार, मेनली एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम लोग स्टडी करते हैं बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव के कंपाउंड्स का। तो बेंजीन क्या होता है यार, जानते ही हो तुम लोग, और बेंजीन कंपाउंड। तो यार मैं सबसे पहले लिख दे रहा हूँ, इसमें हम लोग मेनली स्टडी करने वाले हैं बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव्स के बारे में, बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव्स के बारे में। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग बेंजीन के प्रिपरेशन मेथड के बारे में जान लेते हैं कि बेंजीन को किस किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, और उसके बाद फिर हम लोग जो बेंजीन के इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में जानेंगे, बेंजीन किस किस तरह का रिएक्शन देता है, ठीक, ये सब के बारे में आगे हम लोग बहुत ही डिटेल्स में स्टडी करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं यार बेंजीन के प्रिपरेशन से। तो आप लोग यार नोट्स बनाते चलना, ठीक है। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। चलो, तो इसमें से हो सकता है आप लोग बहुत सारे रिएक्शन ऑलरेडी पढ़े होंगे, तो उसी का एक तरह से समझ लेना कि यार ये समरी है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स टाइप का है। तो यहाँ पे मैं केवल डायरेक्ट स्टेप्स लिखूंगा कि किस किस मेथड से बनाया जाता है। तो सबसे पहला मेथड है यार, मान ले हमारे पास 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन में हम लोग Al2O3 ये, तो देखो यार Al2O3, Cr2O3 और MoO3 मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड हीट करते हैं, डायरेक्टली ये साइक्लोहेक्सेन कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में डायरेक्टली। मतलब आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन बनाना है, जस्ट Al2O3, Cr2O3, MoO3 हीट कर डालो, बेंजीन मिल जाएगा, ठीक है, ये एक मेथड हो गया। अच्छा, मान लो यदि 7 कार्बन होता तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 मान लो ऐसा होता, सेम रिएक्शन यूज कर रहे हैं, क्या होता प्रोडक्ट, तो यार बेंजीन बनाते और एक कार्बन एक्स्ट्रा है तो कोई बात नहीं भाई, एक कार्बन एक्स्ट्रा लगा देगा बेंजीन के ऊपर, ये बन जाएगा। इसका नाम बता सकते हो क्या होता है, इसका नाम होता है टॉलीन। ये सब यार नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना यार तुम लोग, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा यूज होता है ये सब का, जो कॉमन नेम है ना टॉलीन एनिलीन, यही सब ज्यादा यूज होता है। चलो, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड पे आते हैं, ठीक है ना, सेकंड मेथड में हम लोग के पास मान लो कोई भी साइक्लोहेक्सीन है या फिर कॉन्जुगेटेड डाइन है हमारे पास, मान लो ये कॉन्जुगेटेड डाइन मतलब जस्ट अगल बगल, या फिर तीसरा एल्किन हमारे पास है आइसोलेटेड डाइन। आइसोलेटेड का मतलब यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। अब इसमें हम लोग सेलेनियम हीट डाल देंगे तो हमारे पास आइदर ये हो या ये हो या ये हो, मतलब यदि साइक्लोहेक्सेन में कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिख गया, एक जगह दो जगह, वो कॉन्जुगेटेड हो या आइसोलेटेड हो, सेलेनियम हीट के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली इनटू बेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार ये यूज आएगा रिएक्शन कन्वर्जन में, सेलेनियम हीट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास सेकंड मेथड, किसी भी साइक्लोहेक्सीन से या डाइन से हम लोग बेंजीन कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, सॉरी, हमारे पास मान लो एल्काइन है, पहले एल्केन से बेंजीन बना है, फिर एल्किन से साइक्लोहेक्सीन से बनाए हम लोग, फिर एल्काइन से हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखो यार, रिएजेंट को मैं दूसरे पेन, तो देखो यहां पे रेड हॉट आयरन ट्यूब लेते हैं, रेड हॉट है तो भाई हीट तो रहेगा, ये अंडरस्टूड ही है। और यहां पे भी देखो यार डायरेक्ट रिएक्शन होता क्या है, जब एल्काइन को हम लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ लेते हैं तो यहां पे ट्राइमराइजेशन प्रोसेस हो जाता है, ठीक है ना, ट्राइमराइजेशन हो जाता है। अब ट्राइमराइजेशन का मतलब क्या होता है जरा समझ लेते हैं इस चीज को, ये बना लेता है बेंजीन डायरेक्टली बना देता है। एक्चुअली इसका हमें 3 मोल लेना पड़ता है, किस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है इस चीज को समझ लेते हैं, समझ नहीं यार तुम लोग। हमारे पास है C ट्रिपल बॉन्ड C, हमारे पास है C ट्रिपल बॉन्ड C, क्लियर। इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास सभी के पास एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब होता क्या, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड को जस्ट आप समझ लो कि डॉट डॉट में तोड़ रहे हो, क्या तोड़ रहे हो, डॉट डॉट में, यदि ट्रिपल बॉन्ड को अरे यार डॉट डॉट में तोड़ रहे हो
तो यहाँ पे एक बॉन्ड कम हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ कम हो जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ कम हो जाएगा। तो ऐसा समझो यदि ट्रिपल बॉन्ड हटाए तो एक डॉट यहाँ आया होगा, एक डॉट यहाँ पे आया होगा, आया होगा ना, एक डॉट यहाँ पे आया होगा, एक डॉट यहाँ पे आया होगा, एक डॉट यहाँ पे आया होगा, एक डॉट यहाँ पे आया, जस्ट समझने के लिए। अब ये डॉट डॉट क्या करेगा, आपस में एक डॉट को दूसरा डॉट दिखा पाए, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा और क्या हो जाएगा इनके पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी इसी तरह से ये डॉट डॉट दिखा सिंगल, समझ में आया, मतलब ये डॉट 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 हटा देता हूँ, ये सब क्या हो जाएगा सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो इस तरह से यदि ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो यही क्या है, बेंजीन है, देखो एक सिक्स कार्बन एटम दिख जाएगा, यहाँ से यदि स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 सिक्स कार्बन एटम दिख गया, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल हुआ, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, बताओ बच्चों यार लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, सभी कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, मतलब क्या बेंजीन बन गया। तो एल्काइन यदि हमारे पास और रेड हॉट आयरन ट्यूब डालते हैं तो ये ट्राइमेराइज हो जाता है, ट्राइमेराइज का मतलब तीन मॉलिक्यूल एक साथ आके जुड़ जाएगा, दिख रहा है ना, तीन मॉलिक्यूल का एक साथ कॉम्बिनेशन, इसे ही ट्राइमेराइजेशन कहते हैं। डाइमेराइजेशन का इंग्लिश टर्म यूज होता है, डाइमेराइजेशन का मतलब दो मॉलिक्यूल यदि एक साथ जुड़ रहा है तो उसे डाइमेराइजेशन कहते हैं। तो ये हो गया, एक बार आईटी में सवाल आया था, सिंपल से सवाल था, इसी में हमने CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया गया था और रेड हॉट आयरन ट्यूब लिया गया था, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताना था, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं था, इनडायरेक्ट था, एक पार्ट था जस्ट उस रिएक्शन का, ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH रेड हॉट आयरन ट्यूब ले लिया गया, क्या होगा प्रोडक्ट, जरा सोचो यार, वीडियो को पॉज करो, बनाने की कोशिश करो तो सही प्रोडक्ट बना पा रहे हो कि नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। तो देखो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, देखो यहाँ पे भी ट्राइमराइजेशन ही होगा, एक सी सी सी, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ठीक है। अब क्या हो रहा है ये, अरे यार कार्बन ही उड़ गया, रुको कार्बन उड़, एक एक ट्रिपल बॉन्ड पहले उड़ा दो हर जगह से, प्रोसेस वही रहेगा। अच्छा यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया पता है, यहाँ पे एक कार्बन पे तो हाइड्रोजन है लेकिन दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या, नहीं CH3 है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ गलती किया मैंने वहाँ पे सही कर लेता, CH3 एक H फिर एक CH3 फिर H फिर CH3, मतलब हर एल्काइन पे एक H और एक CH3 लगा हुआ है। अब देखो यार फिर से वही काम, जहाँ जहाँ है वहाँ पे डॉट डॉट को जोड़ दो, देखो भाई क्या बन गया, देखो कितना कार्बन है, अगेन सिक्स कार्बन आइटम आपको दिख जाएगा, दिख रहा है सिक्स कार्बन, मतलब ये अगेन ऐसा ही स्ट्रक्चर बन गया, बेंजीन बन गया अंदर। अब यहाँ पे बस हर जगह HH नहीं है, अब H एक जगह H है तो बगल वाले पे CH3 है, फिर H फिर CH3 H, मतलब यहाँ CH3 है तो बगल वाले पे H फिर CH3 फिर H फिर CH3, मतलब आपको ट्राइमिथाइल बेंजीन मिल गया, 1 2 3 4 5 1 3 5 ट्राइमिथाइल बेंजीन बन गया। इसका कॉमन नेम क्या होता पता है, मैसिटिलीन इसे बोलते हैं, मैसिटिलीन। तो इस तरह से यदि हम CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लेते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब हीट करते हैं तो हम मैसिटिलीन प्रोडक्ट मिल जाता है, याद रहेगा, हाँ गुड। चलो नोट कर लो यार, जिनका सही हुआ था सही प्रोडक्ट बना था यार, शाबाश। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, मान लो हमारे पास फोर्थ रिएक्शन बेंजीन क्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन से हमें बेंजीन बनाना है तो कैसे बनेंगे, कुछ रिएक्शन वन स्टेप में हो रहा था, कुछ रिएक्शन के लिए हमें मोर देन वन स्टेप जाना पड़ता है, डायरेक्टली हम नहीं बना सकते हैं। क्लोरोबेंजीन है तो सबसे पहले हम लोग इसको मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ, देख भाई ड्राई ईथर या फिर THF भी हम लोग ले लेते हैं, तो शायद ग्रिगनार्ड रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, RX को जब हम लोग MG के साथ प्लेट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ये RMGX बना देता है, या R के जगह पे यदि बेंजीन है कोई दिक्कत नहीं भाई, सेम प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, बेंजीन के साथ MgCl आ जाएगा, समझे। और अब इसमें हम वाटर डालते हैं, तो यदि तुम्हें पता है RMGX को यदि वाटर के साथ प्लीट कराते हैं तो Mg प्लस और R पे माइनस आता है, और R माइनस वाटर में H प्लस और OH माइनस आयन प्रेजेंट है, हम जस्ट ये सब कुछ रिएक्शन हो ना, एक्चुअली मैकेनिज्म इस तरह से हो ऐसा जरूरी नहीं है, मैं जस्ट आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आप रिएक्शन को इजीली याद कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैं तो बहुत आसानी से H2O को H प्लस OH माइनस में थोड़ा प्लस माइनस चिपका दूंगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये मैकेनिज्म उतना भी सिंपल नहीं होता है,
बाय द वे आपको यार याद रखना है, तो याद रखने के लिए हम बस वही तरीका बताएंगे जिससे कि आपको इजीली याद हो जाए। और किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम देखेंगे ना, तो हर एक रिएक्शन में बस आपका देखा जाए तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे के ऊपर ऐड होता है, मतलब एक जगह प्लस जोड़ेगा माइनस जोड़ देना, एक जगह माइनस बन रहा था प्लस जोड़ना, मतलब प्लस को माइनस, माइनस को प्लस के साथ जोड़ना, यही करना है पूरे रिएक्शन में। एक जगह तोड़ेंगे प्लस माइनस, दूसरे जगह भी तोड़ेंगे प्लस माइनस में, प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ जोड़ना है, बस और बस यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है। ठीक है, बस वही कि यार तोड़े कहाँ जोड़े कहाँ तरीका क्या होगा, ये सबका थोड़ा इनडेप्थ नॉलेज चाहिए होता है। ठीक, तो उसके लिए है यार केमिस्ट्री इनडेप्थ। हाँ, तो देखिए R माइनस MgX प्लस, मेटल पे प्लस आएगा, जो कार्बन वाला पार्ट है उस पर माइनस आएगा। अब तुम लोग खुद बता दे भाई माइनस पे कौन जुड़ेगा इस दोनों में, एच प्लस जुड़ेगा मतलब RH, और प्लस MgX जो था ना उसके साथ क्या जुड़ेगा, वो H जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा ना। तो सेम रिएक्शन यहाँ पे भी होगा, MgCl जस्ट ऐसा समझाने के लिए, बॉन्ड ऐसे ब्रेक डायरेक्टली नहीं करता है एक स्टेप में, मैकेनिज्म आप लोगों को बता देंगे, ग्रिंडार्ड रिएक्शन का अलग से हम एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाएंगे, तब वहाँ आपको मैकेनिज्म के साथ ये चीज़ मिलेगी। तो MgCl यहाँ से हट जाएगा, H2O में भाई H प्लस और OH माइनस है, जैसे तोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस, माइनस के साथ H आके चिपक जाएगा, MgCl के साथ OH चला जाएगा, प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा, H लिखूँ क्या, नहीं लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई। और MgCl के साथ OH चला जाएगा, दैट इज MgClOH, अगेन वो बाय प्रोडक्ट है, हमें बेंजीन बनाना था, बेंजीन हमारा बन गया, काम हो गया। तो यदि हमारे पास क्लोरो बेंजीन है, बेंजीन बनाना है, तो दो स्टेप में बन जाता है, पहले स्टेप में एमजी ड्राइथर ले लो, इससे MgCl बन जाएगा, और फिर H2O ले लो, आपका बेंजीन मिल जाएगा वापस, समझे। तो क्लोरो बेंजीन है तो आप डायरेक्टली बेंजीन कैसे बनाओगे, दो स्टेप। बहुत बार क्या होता है, हम लोग इसी स्टेप को ऐसा भी कर सकते हैं, ये सब नोट लगे ना इंपॉर्टेंट तो नोट कर लेना, ठीक है ना यार, मैं मिटा दे रहा हूँ। मतलब डायरेक्टली आप क्या करोगे, क्लोरो बेंजीन है तो आपको बार बार इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में मैग्नीशियम ड्राइथर लिखोगे, सेकेंड स्टेप में H2O लिख दो, ठीक है, डायरेक्टली ये मतलब कि आपका बना देता है, 1-2 कर दिया ना, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पहुँच गए, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो हाँ, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फेनॉल। फेनॉल से हमें बेंजीन बनाना है, क्या करेंगे, तो देखो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हो सकता है आप लोग जानते हो, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो फेनॉल में सिंपली कुछ नहीं, आप जिंक डस्ट डाल दो, हीट कर दो, बेंजीन मिल जाएगा, एक स्टेप का रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। फेनॉल में क्या डालना है, जिंक डस्ट हीट, बन जाएगा क्या, बेंजीन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार, याद रखना। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखिए भाई जितना भी बेंजीन का प्रिपरेशन में पढ़ा रहे हैं ना, सब ऑलमोस्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। COH इसमें क्या करते हैं, याद है रिएक्शन, COH हमें COH हटाना है, याद करो जरा भाई, सोडा लाइम प्रोसेस, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड हीट, यही है सोडा लाइम कहलाता है, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO, डायरेक्ट ये COH को हटा देता है यहाँ से, डायरेक्टली हटा देता है, क्या बन गया, बेंजीन बन गया, याद रहेगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जितना भी रिएक्शन लिखवाए ना सब के सब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना यार हर एक चीज। नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाओ, सात, COH हो गया, मान लिया हमारे पास CHO लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं भाई, थोड़ा बहुत आइडिया हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एसेंट का, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, तो यदि मान लिया हमको COH के प्रेजेंस में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, CHO जो एल्डिहाइड दिख रहा है उसको कन्वर्ट कर देगा एसिड में, फिर हम लोग क्या करेंगे, सोडा लाइम हीट, SL, SL कहते हैं सोडा लाइम, मतलब NaOH प्लस CaO, उसी को हम सोडा लाइम कर रहे हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, क्या बन जाएगा, डायरेक्ट COH को हटाओ, बेंजीन बनाओ, समझे। नेक्स्ट रिएक्शन, मान लो हमारे पास साइनाइड है, सब भाई इंपॉर्टेंट है, सब एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, साइनाइड है H3O प्लस, जैसे H3O प्लस डालेंगे क्या हो जाएगा, साइनाइड यहाँ पे साइनाइड भाई, ये मतलब इंपॉर्टेंट तो सब है भाई, साइनाइड ये रिएक्शन एलिफैटिक चेन में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, जहाँ भी साइनाइड दिखता है ना जस्ट H3O प्लस डाल दो, साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है COH में, जैसे COH बन गया, ये सब रिएक्शन जानते हो, फायदा ये है ना, ये सब रिएक्शन एरोमेटिक रिंग में तो हो ही रहा है, एलिफैटिक रिंग में भी होता है, मतलब मान ली स्ट्रेट चेन है RCN है, तो भी यदि आप इसमें H3O प्लस डालते हो तो RCH बन जाता है, इसी तरह से भाई
ये मान लो भाई आपका आर सी ओ एच है, इसमें आप सोडा लाइम हीट डालते हो तो आर एच एल्केन बन जाता है। हाँ लेकिन ये सब काम मत करना, पता चला फेनॉल में भी, फेनॉल का यहाँ पे आर ओ एच है, आप जिंक डस्ट डाल रहे हो, हीट कर रहे हो और यहाँ पे आर एच बना दे, तो ऐसा नहीं होता है, वो एरोमेटिक के लिए स्पेशली। लेकिन ये दोनों रिएक्शन जो पड़ता है सोडा लाइम हीट और H3O प्लस साइनाइड में डालते हैं तो ये एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ये एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों जगह वैलिड होता है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और इसको मैं इसको अलग से आप लोग नोट भी कर सकते हो। साइनाइड हो गया, साइनाइड के बाद मान लो हमारे पास एनिलीन है, भाई सब याद रखना है, एनिलीन कहलाता है, इसका कॉमन नेम एनिलीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, याद होगा या जितना तो उम्मीद करते हैं आप लोगों से। एनिलीन, एनिलीन में क्या करेंगे, तो देखो भाई इसको हम लोग ट्रीट करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। होता क्या है यहाँ पे, जो एनिलीन है वो कन्वर्ट हो जाता है N2 प्लस Cl माइनस में, इस कंपाउंड का नाम है डाइजोनियम सॉल्ट, जिसका यदि हम फॉर्म पूरा नाम लिखें तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या नाम है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, इसी को हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं, क्लियर। और इसमें हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट मिल गया ना, जब डाइजोनियम सॉल्ट में H3PO2 और H2O या फिर सिंपली इथेनॉल से ट्रीट करा दो, C2H5OH से ट्रीट करा दो, तो ये डायरेक्टली बना देता है बेंजीन, मतलब N2Cl को पूरा का पूरा H से रिप्लेस कर देता है, N2Cl हट के यहाँ पे H आ जाएगा, रिजल्ट क्या, H3PO2 H2O C2H। ये सब जितने भी रिएक्शन है ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट, पहले से ही बता चुके हैं, ये सब एमीन्स में आप लोग जाओगे प्लस कन्वर्जन जब आप लोग करोगे ना तो वहाँ बहुत बार ये सब रिजल्ट यूज होता है, बहुत बार यूज होता है। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट याद रखना, H3PO2 H2O C2H5OH क्या बना देता है, बेंजीन बना देता है। इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन देख लो, ऐसे तो होने का बहुत सारा हो सकता है लेकिन जो बहुत कॉमन मतलब कि रिएक्शन से वो मैं यहाँ पे केवल बता रहा हूँ। मानो नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन से आपको बेंजीन प्रिपेयर करना है, कैसे करोगे प्रिपेयर, तो क्या करना होता है यहाँ पे, SN3HCl ले लो या फिर FeHCl ले लो। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, NO2 की जगह पे आ जाता है NH2, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, एलिफेटिक में भी वैलिड होता है ये चीज़ जो मैंने बताया, मैं इसलिए यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ एलिफेटिक वाले केस में। यदि मान लो हमारे पास RNO2 है तो ये रिएक्शन HCHCl या FeHCl या RNO2 जो है ना कन्वर्ट हो जाता है RNH2 में, जैसा एमीन्स में पढ़ना है रिएक्शन, RNH2 ये बन गया। अब ये बन गया तो भाई बेंजीन नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं भाई, कैसे बनाएंगे, तो जस्ट इसमें फर्स्ट स्टेप में डालेंगे NaNO2 प्लस HCl, अरे यार गलत लिख दिए, गलत लिख दिया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही तो था यार, NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, और ये पहले बना देगा डाइजोनियम सॉल्ट, जस्ट ऊपर वाला रिएक्शन रिपीट कर गया, N2Cl, N2 पे प्लस रहा था, Cl पे माइनस, और फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, C2H5 या H3PO2 वाटर या फिर C2H5OH, दिख रहा है यार, नहीं दिख रहा तो देख लो भाई, ये बना देगा फिर। तो इतने सारे मेथड हो गए बेंजीन बनाने का, हम लोग के पास अल्कोहल है, फेनॉल है, तो फेनॉल से हम लोग बेंजीन बना सकते हैं, OH को मतलब एच से रिप्लेस कर सकते हैं, बेंजोइक एसिड है तो वहाँ से बना सकते हैं, साइनोबेंजीन है तो बना सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन है तो बना सकते हैं, एनिलीन है तो बना सकते हैं, एल्केन है तो साइक्लो एल्केन से बनाया जा सकता है, एल्कीन साइक्लो एल्कीन से बना सकते हैं, या फिर हमारे पास एल्काइन है तो उससे ही बना, तो ये डिफरेंट मैथड्स हो गए बेंजीन बनाने का।
ठीक है। तो ये तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन था। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे जो कि बेंजीन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज नोट कर लो यार, ठीक है ना। तो देखो यार, ये बेंजीन का प्रिपरेशन हो चुका, किस तरह से बेंजीन प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट सब्सट्रेट, ये चीज हम लोग देख लिए। तो अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि बेंजीन किस किस तरह का रिएक्शन देता है, मतलब बेंजीन के साथ किस किस तरह का रिएक्शन होता है। तो देखो यार, बेंजीन में भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। हाँ भाई, बेंजीन में तीन तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यदि अनसैचुरेशन प्रेजेंट है तो इसको अनसैचुरेशन टेस्ट देना चाहिए। अनसैचुरेशन टेस्ट का मतलब एल्किन और अल्काइन के लिए हम लोग अनसैचुरेशन टेस्ट कराते थे, याद होगा आप लोगों को भाई, याद है कि नहीं याद है? क्या होता था अनसैचुरेशन टेस्ट? दो तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था भाई, एक ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन Br2CCl4, कलर क्या होता था? रेड ब्राउन कलर होता था, या रेड ऑरेंज बोलो। Br2CCl4 क्या हो जाता है? इस डबल बॉन्ड पे आके ऐड हो जाता था, एक ब्रोमीन इधर से एक ब्रोमीन इधर से, इसका जो रेड ब्राउन कलर था वो डिसअपीयर हो जाता है, डिक्लोराइज हो जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन अनसैचुरेशन के लिए बताए थे, यदि हम कोल्ड एंड डाइल्यूट के MnO4 ले लेते हैं, कोल्ड एंड डाइल्यूट के MnO4, तो ऐसे में क्या होता है, जो एल्किन दिख रहा है उस एल्किन पे OH आकर ऐड हो जाता है, ठीक है ना। एंटी पोजिशन पे होता है, कोई बात नहीं, वो सब मैटर नहीं करता। तो ये जो डाइकोल बना है जिसको ग्लाइकोल भी कहते हैं, इसका नाम क्या होता है बताओ? कोल्ड एंड डाइल्यूट के MnO4 क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट। क्या नाम होता है? बेयर्स रिएजेंट। और कलर क्या होता है? तो याद रखिएगा भाई, इसका पिंक कलर होता है, पिंक कलर डिकलराइज हो जाता है जब किसी अनसैचुरेटेड, वो एल्किन हो या अल्काइन हो, जब बेयर्स रिएजेंट के साथ ट्रीट कराते हैं तो वो क्या होता है? डिसअपीयर हो जाता है, ठीक। तो ये अनसैचुरेशन का टेस्ट था। तो भाई बेंजीन में भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, बेंजीन में ये टेस्ट देना चाहिए, बट बेंजीन में ये नहीं होता। मतलब ये जो टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट और जो नीचे बेयर्स टेस्ट है, ये टेस्ट बेंजीन नहीं देता। क्यों नहीं देता? रीजन क्या है इसके पीछे, जरा सोचो। तो देखो यार, यदि मान लो हम लोग ये टेस्ट बेंजीन में कराने जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा? ऐसा है, मान लो Br2CCl4 ऐड कर दिए, क्या बनेगा? तो फिर एक डबल बॉन्ड तोड़कर यहां पे Br ऐड हो जाएगा, यही होना था ना। जरा सोचो, क्या इससे ये बन सकता है प्रोडक्ट? तो आंसर इज क्लियर, नो, बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि भाई देख, ये बेंजीन है एरोमेटिक और यहां पे जो प्रोडक्ट बन रहा हुआ है नॉन एरोमेटिक। क्या एरोमेटिक कंपाउंड अपना एरोमेटिसिटी लूज करना चाहेगा? नेवर। कभी भी कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड अपना एरोमेटिसिटी लूज करना नहीं चाहेगा। तो कभी भी ये रिएक्शन जो है ना, इधर से इधर नहीं आने वाला है। तो इसलिए कोई भी बेंजीन जो है, एरोमेटिक कंपाउंड जो है, वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है। सेम रीजन यार, यदि हम यहाँ पे बेयर्स रिएजेंट ले आए तो बेयर्स रिएजेंट में क्या होना चाहिए था भाई? तो यहाँ पे बेयर्स रिएजेंट Br बेयर्स रिएजेंट है, ये अगेन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, OH यहाँ पे आ जाना चाहिए था, बट अगेन एरोमेटिसिटी लूज हो रहा है, इसलिए बेंजीन ये दोनों टेस्ट, जो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है, ये नहीं देता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब चलो भाई, मतलब कहने का मतलब ये है ना कि बेंजीन में एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। ये सब जो रिएक्शन हो रहा था ना, डबल बॉन्ड तोड़ा Br ऐड कर दिया, डबल बॉन्ड तोड़े OH ऐड कर दिया, ये सब एडिशन रिएक्शन है। मतलब जस्ट जाकर ऐड हो गया, कुछ निकला उकला नहीं बाहर, बस ऐड हो गया आइटम जाकर वहां पे, एडिशन रिएक्शन है। लेकिन बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि बेंजीन यदि एडिशन रिएक्शन दिया तो ऐसे में इसको अपना एरोमेटिसिटी लूज करना पड़ेगा और कभी भी बेंजीन ये चीज नहीं चाहेगा, समझे ना। तो अब नोट करके तो पहले लिख लो, ऐसा क्यों हुआ? बेंजीन नेवर गिव्स एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो फिर अब बात आती है यार, बेंजीन किस तरह के रिएक्शन देते हैं? तो देखो, बेंजीन के केस में जो सबसे मोस्ट कॉमन और जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही, यही मेन, मतलब बेंजीन में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यही है। क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक
एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? मान ले हमारे पास कोई बेंजीन है, ठीक है ना, मान ले हमारे पास कोई बेंजीन है, बेंजीन को जब किसी इलेक्ट्रोफाइल से ट्रीट करवाएंगे, मान लो इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस हमारे पास है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल से ट्रीट कराते हैं तो जो बेंजीन का हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है बाय इलेक्ट्रोफाइल। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये एक्चुअली ऐसा कुछ था, ठीक है ना। एक्चुअली बेंजीन में जब इलेक्ट्रोफाइल देखा तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रहा होगा, इस हाइड्रोजन की जगह पे इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ गया, यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ में आया। अब एक्चुअली हमको इसका मैकेनिज्म को थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है, और बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होता है, बेंजीन में बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, आयोडी मतलब हैलोजिनेशन हो गया, इसके अलावा नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन हो गया, फ्रेडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन, ये सारे के बारे में हम लोग डिटेल में एक एक करके जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो मैकेनिज्म है ना, शॉर्ट में वो चीज़ को पहले हम लोग जानते हैं कि किस तरह से ये ये देता है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। सबसे पहले यार मैकेनिज्म जानते हैं, ध्यान से। मान लो हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसके पास में कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसे आया तो ये वाला जो बॉन्ड है वो कुछ इस तरह से पोलराइज हो जाएगा, जैसे पोलराइज हो गया तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, जहां पे माइनस आया वहीं पे जाके इलेक्ट्रोफाइल चिपक जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल चिपक गया। ओए मैंने कुछ गलती कर दी ना, एक काम करता हूँ इसके अंदर का डबल बॉन्ड को अलग तरीके से बनाता हूँ, यहाँ पे ऐसा 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 कर देता हूँ, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं ना। तो अब देखो ये डबल बॉन्ड यदि यहाँ आया तो माइनस, अरे यार फिर इसको भी चेंज करना पड़ेगा ना, ये ऐसा ये ऐसा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, जैसे समझ में आ रहा है तुम लोग को, ठीक है ना यहाँ तक। अब आगे क्या होगा, तो देखो यार ये प्लस चार्ज अब यहाँ पे बना, देख भाई ये स्टेप यहाँ एरोमेटिक था, ये कंपाउंड क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, क्या यहाँ से आना चाहेगा, बिल्कुल नहीं, नहीं आना चाहेगा भाई, मतलब ये रिएक्शन बहुत फास्ट हुआ या बहुत स्लो हुआ बता सकते हो, रिएक्शन इस स्टेप पे फास्ट रहा होगा या स्लो रहा होगा, तो देख भाई यहाँ से यहाँ आना, क्या इससे ये प्रोडक्ट बनना चाहेगा, नहीं नहीं चाह रहा होगा, मतलब ये बनना चाह ही नहीं रहा है, यदि बनना चाह ही नहीं रहा यह प्रोडक्ट, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हुआ होगा, बहुत ही स्लो हुआ होगा, यदि ये प्रोडक्ट स्टेबल होता तब तो भाई तुरंत फास्ट बन जाता, ये प्रोडक्ट तो यार बनना ही नहीं चाह रहा है, तो ये स्टेप क्या होगा, बहुत ही स्लो होगा, मजबूरी में जाके बनेगा ये प्रोडक्ट, मतलब ये स्टेप जो है स्लोवेस्ट स्टेप है, और इसलिए इसी को हम लोग RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, क्लियर। अब इसके लिए आगे देखो, अब यहाँ पे ये जो प्लस चार्ज आया ना, अब थोड़ा बहुत रेजोनेंस ये एंजॉय करने वाला है, मतलब ये प्लस चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ देख रहे हो रेजोनेंस कर रहा है, तो मस्त ये रेजोनेंस में चला गया, समझना भाई, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अपने जगह पे सेट है, ठीक। एक बार और रेजोनेंस ये करेगा, ये ऐसा ये देखिए रेजोनेंस के साथ यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक करेगा, जैसे ये माइनस आया इधर प्लस माइनस बॉन्ड बना दिया और प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल अपने जगह पर सेट है, मस्त। अब अगले स्टेप में क्या होगा, तो देखो यार हम एक काम यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक दो तीन यदि हम इसके बाद फिर देखेंगे ना, तो यही वाला स्ट्रक्चर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा भाई, माइनस यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मतलब यही फिर स्टेप रिवर्स हो जाएगा, मतलब इसका तीन ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला है, दिख रहा है ना तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इस तीनों को हम मिलाकर एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना देते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे देखो डबल पार्सल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ कहाँ है, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड आया, यस आया, इस वाले कार्बन के पास आया, इसी में तो है, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड आया, भाई बिल्कुल है, इस डबल मतलब यहां से लेकर मैं इसको ये और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल सेट, इसमें जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, इतने पार्ट में यहां से लेकर यहां तक प्लस चार्ज, यहां से लेकर यहां तक वैरी कर रहा है ना,
तो इसमें क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। और ये जो कंपाउंड, अरे भाई क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। हाँ तो देखो यहां पे इस कंपाउंड में क्या हो गया, इस कंपाउंड में पार्शियल, ये जो कंपाउंड बना रेजोनेंस हाइब्रिड जो हम तीनों का बनाए, ये जो, अरे यार ये रेजोनेंस हाइब्रिड बना, इसी को हम लोग नाम देते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या फिर इसी को कहा जाता है वीलैंड कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या वीलैंड कॉम्प्लेक्स, समझे। तो ये वीलैंड कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद देखो भाई क्या होता है, तो मान लो हमारे पास फर्स्ट वाला स्टेप से हम रिपीट स्टार्ट करते हैं। अब ये एरोमेटिसिटी लूज तो किया, लेकिन ये चाह रहा होगा कि हम फिर से दोबारा एरोमेटिक किसी तरह बन जाए। तो अब ये दोबारा एरोमेटिक कैसे बनेगा, जरा सोचो। तो अब देखो यार होता क्या, इस तीनों में से कहीं से भी बगल में एक तो हाइड्रोजन होगा ही ना, सॉरी यहां से नहीं, इलेक्ट्रोफाइल के पास एक हाइड्रोजन तो है ना, हाइड्रोजन है, यदि हाइड्रोजन है तो वहां से H जो है ना H प्लस की तरह निकल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के जगह पे हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन H प्लस निकल जाएगा, जैसे H प्लस निकला चार्ज आ गया माइनस, माइनस के बगल में है प्लस, ये दोनों मिलके बना दिया बॉन्ड। तो इस तरह से यहां पे हमें जो फाइनल स्ट्रक्चर जो देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा है, यहां पे डबल बॉन्ड ऐसा, फिर ऐसा, और H प्लस निकला तो यहां पे डबल बॉन्ड, और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। अब देख यार ये जो फाइनल कंपाउंड है ना, अगेन एरोमेटिक हो गया, दिख रहा है ना। तो इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन होता है। RDS कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। देखो यार एक्चुअली ये तीनों जो स्टेप है ना लिखे ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये एक ही स्टेप कहलाएगा, ये एक ही स्टेप है, इसको तीन स्टेप मत काउंट करो। मतलब एक्चुअली रिएक्शन देखा जाए ना दो स्टेप में हो रहा है। फर्स्ट स्टेप है बेंजीन से ये बना, हम बोल सकते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ या वीलैंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, और फिर यहां से हमें डायरेक्ट मिल गया एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें सब्स्टिट्यूशन के साथ वाला, मतलब एक तो यहां से यहां आया फिर यहां से यहां, दो ही स्टेप पे हो रहा है। ये स्टेप क्या हो जाएगा, स्लो या फास्ट, जरा सोचो भाई। ये एरोमेटिक नहीं था, ये अनस्टेबल था, यहां पे स्टेबल हो गया, मतलब ये जो है इसमें बहुत जल्दी जाना चाह रहा होगा, इसका बहुत इच्छा होगा कि हम जल्दी से इधर आ जाए ताकि हम स्टेबल हो जाए, हमें भी एरोमेटिसिटी आ जाए। तो इसीलिए रिएक्शन क्या होगा, ये स्टेप है बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है। अब सवाल बनता है, अच्छा काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट के बारे में तुम लोग शायद नहीं सुने हो, ठीक है ना, कोई बात नहीं। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है, यदि कहीं भी किसी भी कंपाउंड मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को यदि ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया जाए, ध्यान सुनना, यदि कहीं किसी मॉलिक्यूल कंपाउंड में हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या उस रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, जाने यदि इफेक्ट पड़ता है, यदि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है, कब, हाइड्रोजन को जब ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया जाए, और यदि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है तो हम बोलेंगे वहां काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। आइसोटोपिक इफेक्ट मतलब हमने हाइड्रोजन को उसके आइसोटोप से रिप्लेस कर दिया, आइसोटोप से रिप्लेस करने के बाद क्या रेट ऑफ रिएक्शन फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो यहाँ पे अब तुम लोग सोचकर मुझे बताओ, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन को यदि ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन पे में चेंज आएगा या नहीं आएगा, सोचकर बताओ जरा। तो देखो यार हाइड्रोजन कब निकल रहा है, लास्ट स्टेप में निकला ना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ से एच प्लस निकला और बना दिया एरोमेटिक कंपाउंड। जो निकल रहा है वो फास्ट स्टेप में निकल रहा है हाइड्रोजन। RDS में हाइड्रोजन निकल रहा है क्या, नहीं, हाइड्रोजन में स्लो स्टेप जो है ना RDS, उसमें हाइड्रोजन नहीं निकला, फास्ट स्टेप में हाइड्रोजन निकल रहा है। तो फास्ट स्टेप तो हमारा RDS है ही नहीं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ही नहीं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो ये है, इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है क्या, नहीं है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन को तुम ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दो, ट्रिटियम से रिप्लेस कर दो, कोई फर्क रेट ऑफ रिएक्शन पे पड़ने वाला नहीं है। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि ये जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट यहाँ ऑब्जर्व नहीं होता है। हाँ बस दो एक्सेप्शन तुम्हें आगे चलकर देखने को मिलेगा, एक आयोडीनेशन और दूसरा सल्फोनेशन, ये दो रिएक्शन है जहाँ काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। मतलब कि वहाँ यदि हम लोग हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिए, मतलब C6H6 को C6D6 बना दिए, तो ऐसे केस में वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है,
समझ रहे हो क्या कहने जा रहा हूं? तो इस दो पॉइंट को नोट करके लिखना है आप लोग को। फर्स्ट स्टेप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, AESM कर देते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डू नॉट शो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है इन फास्ट स्टेप, और हमें पता है भाई फास्ट स्टेप में क्या निकल रहा है, क्या जुड़ रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो भाई आरडीएस से पता चलता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिसाइड किससे होता है? आरडीएस होता है ना, और आरडीएस में हाइड्रोजन का कोई रोल ही नहीं, वहां पर तो जस्ट इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, तो इसलिए ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट मतलब यहाँ ऑब्जर्व नहीं होता है। डू नॉट सो काइनेटिक, यहाँ पे ये भी लिख लेना काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता क्या है। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब इफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय, यदि हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया जाए, देन इफ एच इज रिप्लेस बाय एंड रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हुआ, देन वी से व्हाट, क्या कहेंगे यदि ऐसा होता है? देन वी से काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व देयर, काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। समझ रहे हो? मतलब हाइड्रोजन को, यदि हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया जाता है और ऐसे में यदि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि वहां काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक, बस इसका दो एक्सेप्शन है, उसको भी लिख लेना भाई, दो एक्सेप्शन है, आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन। ये क्या होता आगे जानेंगे। बेंजीन में यदि आयोडीन ग्रुप ऐड होता है, आयोडीन ऐड होता है तो उसको आयोडीनेशन कह देंगे। बेंजीन में किसका एडिशन? आयोडीन का। सल्फोनेशन का मतलब बेंजीन में यदि SO3H का एडिशन होता है तो वो सल्फोनेशन कहलाता है। तो आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन डू नॉट शो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, सॉरी डू नॉट नहीं, इट शोज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, इट शोज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। मतलब समझ में आ रहा है? यानी यदि हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया जाए तो आयोडीनेशन और सल्फोनेशन के केस में रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? अब चेंज हो जाएगा तो जरा सोचो, मान ले हमने बेंजीन को आयोडीनेशन या सल्फोनेशन करा है, ठीक है ना, और एक बार हम बेंजीन को H को D से रिप्लेस कर दिए, यहाँ रेट R1 है, यहाँ रेट R2 है, कहाँ रेट फास्ट होगा बता सकते हो? हाइड्रोजन को हमने ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया तो ऐसे में रेट कहाँ से फास्ट होगा? R1 और R2 बताओ जरा, जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बने। तो भाई H का रिमूवल आसान हो, क्यों? H बॉन्ड वीक होता है ना, ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए R1 जो CH बॉन्ड है ना वो वीक होता है तो रेट आसानी से H निकल जाएगा भाई, तो रेट R1 ग्रेटर देन R2 हो जाएगा। मतलब जहां भी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा ना, तो ऐसे केस में जो हाइड्रोजन वाला होगा ना वो वाला रिएक्शन फास्ट होगा, ड्यूटेरियम वाला रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा। ठीक, तो वो आयोडीनेशन और सल्फोनेशन के केस में होता है, जब वहां जाएंगे तब देखेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक, चलो तो फिलहाल तो ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं ले सकते हैं मैकेनिज्म को। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं यार क्या होता है, एक बार फिर से सुन लो भाई। सबसे पहले बेंजीन आया, बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल पास में आया, बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस प्लस में, माइनस के जगह पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया प्लस, प्लस क्या हुआ? रेजोनेंस एंजॉय कर रहा है भाई, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना दिया। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फाइनल स्टेप में क्या होता है? एच का
जहां इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा ना वहां पे एक हाइड्रोजन तो रहा होगा, वो हाइड्रोजन H प्लस की तरह निकल गया, H प्लस की तरह निकल गया, फिर से एरोमेटिसिटी गेन कर लिया। मतलब इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्सटीट्यूशन करा दिया गया। सब्सटीट्यूशन किसके द्वारा, इलेक्ट्रोफाइल किसको सब्सटीट्यूट कर रहा, हाइड्रोजन को कर रहा, याद रखना। तो इस तरह से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। हाइड्रोजन फास्ट स्टेप में इन्वॉल्व है, रिमूवल ऑफ एच जो है वो फर्स्ट स्टेप में हो रहा है, इसीलिए रेट डिटरमाइन हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगा नहीं। तुम हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दो, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, समझे। तो ये सब आप लोग देख लेना। अब तो इस तरह से मैकेनिज्म जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन था वो देख लिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आज तो नहीं पढ़ाने वाला हूं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि बेंजीन और बेंजीन को जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से वैरी करता है, कहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगा, कहाँ शुरू होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ना हम लोग नेक्स्ट डे में डिस्कस करने वाले, तो इसीलिए वीडियो को अभी यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।